इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की काफ़ी कमी है, एंड ऑन टॉप इफ़ यू लुक ओनली फॉर द साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डेटा, देर आर ओनली 1,000 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी वेरी लो नंबर। सो इस वीडियो के माध्यम से या तो कुछ लोग एनकरेज फील करेंगे टू टेक पार्ट इन दिस प्रोफेशन और बी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, एंड मे बी आप में से कुछ एस्पिरेंट्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के एंड यू वॉन्ट टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो ये वीडियो से भी आपको समझ में आएगा कि इंडिया में किस तरह से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो लेट मी बिगिन विथ माई जर्नी। आई हेल फ्रॉम गुवाहाटी असम और मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से करी थी। सो आफ्टर माई 10th बोर्ड्स मैं ये तो क्लियर थी कि मैं आर्ट्स लेने वाली हूँ, बट अगेन साइकोलॉजी जस्ट हैपन टू मी, सो आई हैड टू चूज़ बिटवीन ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, एंड सब ने बोला कि साइकोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स के लिए ही मैं साइकोलॉजी ले लेती हूँ। सो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और जैसे ही मैं इसके बारे में पढ़ने लगी, आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट साइकोलॉजी, I started gaining a lot of interest. In fact, I remember जब मैं 12th standard में थी, हमें disorders के बारे में introduce किया गया था। So मैंने पहली बार सुना था bipolar disorders, schizophrenia, और ये सब नाम मैंने कभी पहले सुने ही नहीं थे। हमारे schools में कभी mental health के बारे में नहीं बताया जाता। So these things were never a part of my life and I got to know more about it. तो वहाँ से मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं आगे और साइकोलॉजी पढ़ना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, सो मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी उसी पे फोकस होगा। अब इंडिया में साइकोलॉजिस्ट की कमी इसीलिए भी है क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है विच प्रोवाइड यू विच गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज़। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज माई टारगेट, एंड वहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज जो है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज LSR, आई वॉन्टेड टू गो देयर क्योंकि उस टाइम इट रैंक्ड नंबर 1 इन साइकोलॉजी। सो इसका ये भी मतलब है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ के कट ऑफ्स बहुत हाई होते हैं, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यू नो गेटिंग मोर सीरियस अबाउट माई स्टडीज़, और बाई गॉड्स ग्रेस आई गॉट गुड मार्क्स एंड आई लैंडेड अप इन LSR। सो LSR में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आई वेंट देयर फॉर माई अंडर ग्रेजुएशन, द फैकल्टी वॉज वेरी गुड, वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, सो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। व्हेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर और मैं वेकेशन के लिए अपने घर आई थी गुवाहाटी में, आई थॉट लेट मी डू 1 month इंटर्नशिप इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, एंड आई टुक अप दैट इंटर्नशिप इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स देयर। सो दैट वॉज ऑल्सो अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ पर मुझे वहाँ के MD साइकेट्रिक स्टूडेंट्स के साथ बिठाया गया था टू ऑब्जर्व हाउ दे टेक केसेस फ्रॉम द क्लाइंट। मैंने देखा कि दे वर यूजिंग ICD-10 टू मेक डायग्नोसिस, एंड दैट वॉज रियली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इस तरह से भी डायग्नोस किए जाते हैं, एंड द क्लाइंट्स वेयर कमिंग एंड थैंकिंग देम कि आपकी वजह से हमें इतना बेनिफिट हुआ। सो आई सॉ कि पीपल वेयर मेकिंग चेंजेस इन देयर लाइफ, एंड ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वेयर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे भी आई वुड वॉन्ट टू वर्क इन दिस मेंटल हेल्थ एरिया, एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू फर्स्ट नीड टू कम्प्लीट योर मास्टर्स एंड डू योर MPhil, बिकॉज आप अगर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करते हैं फ्रॉम एन RCI रिकग्नाइज्ड कॉलेज विच गिव्स यू द लाइसेंस, तो आप इंडिया में एज अ लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो एनीवे आई टुक काउंसलिंग इन माई 3rd ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, एंड साइड बाई साइड मैं अपने मास्टर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड दैट्स वेन आई क्लियर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर। सो विद ईच स्टेज मुझे कुछ नया सीखने को मिला,
अब वहाँ पे केवल थेरेपी और थ्योरीज ही नहीं बल्कि मैंने फील्ड वर्क्स भी किए। तो हफ्ते में एक दिन या तो आपको स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑटिज़म सेंटर और भी जगह में इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है एंड इट इज़ अ सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप। आपको गाइड किया जाता है, आपको फील्ड रिपोर्ट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। सो आई थिंक एक हैंड ऑन जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो आपको मास्टर्स में काफ़ी हद तक मिलता है एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड देयर। उसके बाद मुझे ये पता था कि आई हैव टू क्लियर माई एम फिल एंड इंडिया में काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी देते हैं एंड निमहांस बीइंग द बेस्ट इंस्टीट्यूट मुझे वहाँ जाना था एंड निमहांस ऑल्सो हैज़ एन एंट्रेंस टू क्लियर और सीट्स सिर्फ 20 होते हैं एवरी ईयर। सो मेरे टाइम में देयर वर 20 सीट्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी बट I wanted to go there, so I started preparing and by God's grace, I got through that as well in my first attempt. तो NIMHANS का experience बहुत ही amazing रहा है मेरे लिए। वहाँ केवल theories ही नहीं बल्कि आपको specialized postings भी दी जाती है। So पहले के 6 महीने आपको adult posting में डाला जाता है जहाँ पर आप depression, anxiety, OCD इस तरह के cases देखते हैं। उसके बाद आपकी स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग शुरू होती है जब आप यू नो डी एडिक्शन या फिर फैमिली थेरेपी, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, इस तरह के आप अलग अलग पोस्टिंग्स में जाते हैं एंड ईच गिव्स यू अ गुड एक्सपोजर। तो हर पोस्टिंग्स में आपके 3 मंथ्स के आसपास की ट्रेनिंग रहती है ताकि आपको बेहतर इन डेप्थ देखने को मिले, सीखने को मिले। और आप सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं देखते, आपको सिर्फ सुपरविजन ही नहीं मिलता, आपको काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस भी करने होते हैं, केस रिपोर्ट्स भी सबमिट करने होते हैं। सो आई थिंक दैट गिव अ प्रॉपर, जैसे आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको जो करना चाहिए वो सारी एक्सपोजर आपको एक ही साथ दी जाती है एंड आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई बिलीव दैट दैट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिसीजन दैट आई टुक ऑफ गोइंग देयर। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि काफ़ी आसान था, इट वॉज़ नॉट ईजी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट्स अ लॉन्ग वर्किंग आवर, फिर आके आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं। इसके बारे में मैं शायद डिटेल में आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगी जब मैं बताऊँगी कि आप किस तरह एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड योर एक्सपीरियंस इन ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, सो विल कीप इट टू दैट। सो एनी वे, coming back to my experience, so after I completed my NIMHANS exam, फिर मैंने RCR लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया एंड आई गॉट थ्रू माई लाइसेंस। सो आई थिंक दैट हेल्प मी फाइनली बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माई फैमिली कि मैं इस जर्नी के थ्रू आगे जा चुकी हूँ एंड इट्स बीन अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। यू सी योर क्लाइंट्स, फ्रॉम ईच क्लाइंट यू लर्न। आप ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है बल्कि आपके क्लाइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखा जाते हैं। आप हर क्लाइंट में देखेंगे कुछ ना कुछ अलग होता है, आप उनसे सीखते हैं एंड कभी कभार आप को काफ़ी चैलेंजिंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आपको ये नहीं पता कि अब क्या करें, सो मे बी विच मेक्स यू रीड मोर अबाउट देम और मे बी सीक सुपरविजन, पीयर सुपरविजन विच वी ऑल टेक, आई थिंक ऑल द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो टेक बिकॉज एवरी टाइम वी आर लर्निंग। सो या, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप कि इस वीडियो से आप में से काफ़ी लोग भी एनकरेज हुए हैं एंड होप दिस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल।